दी है वो अभी कुड़क हो चुकी है। जो नए लोग हैं इस लाइन में उन्हें नहीं पता होता है कि हमारी मुर्गी कब अंडों पे बैठेगी और कब नहीं बैठेगी। तो अभी बिना देरी किए हुए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मुर्गी के क्या इम्प्रेशंस होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये ब्लैक मादी है, अभी ये कुड़क हो चुकी है और मैंने इधर इसके लिए ये ईंटें लगा दी हैं। इस यहाँ पे हम तूड़ी डालेंगे और उसके ऊपर अंडे रख के इस मुर्गी को उन अंडों पे बिठा देंगे। तो ये देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये ऐसे काटती है। तो इसका मतलब है कि हमारी मुर्गी कुड़क हो चुकी है और अब ये खुड्डे से बाहर भी नहीं निकल रही है। और ये देखिए अभी ये उठाने पे भी नहीं उठ रही है। और ये ऐसे आवाजें निकालती है, तो समझिए ये अभी कुड़क हो चुकी है। अब हम इसे अंडों पे बिठाएंगे। और दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमने इस मुर्गी के लिए ये यहाँ पे एक आलना टाइप बना दिया है। तो इसमें हमने तूड़ी डाली है। और हो सके दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसे मुर्गी अंडों पे बिठानी हो तो तूड़ी का ही प्रयोग करें, क्योंकि तूड़ी में हीट अच्छी बनती है और सभी अंडे अच्छी तरह से फर्टिलाइज भी हो जाते हैं, यानी कि सभी अंडों में से बच्चे निकल आते हैं, अंडे खराब होने के कम ही चांस रहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इस मादी के अंडे हैं। ये हमारे पास इस मादी के 12 अंडे हैं, लेकिन 2 अंडे इसमें एक्स्ट्रा है, वो मैंने किसी और से लिए थे। तो हम इसके नीचे टोटल ये 14 अंडे रखेंगे, यानी कि 14 अंडे रखेंगे जो जिसके हम बच्चे निकलवाएंगे। तो ये देखिए मुर्गी अंडे मांग रही है। तो अभी हम अंडे यहाँ पे इस तूड़ी में रख देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम ऐसे अंडे लगा देंगे वहाँ पे। और ये देखिए मुर्गी खुद ब खुद इनके ऊपर आके बैठ जाएगी, यानी कि मुर्गी कुड़क हो चुकी है। ये देखिए वो अपने नीचे खींच रही है अंडों को। ये देखिए हमने एक एक करके सभी अंडे इस मुर्गी को दे देने और वो अपने अंडे खुद ब खुद खींच रही है। आराम से रखने हैं, टूट जाएंगे। ये देखिए ये जीबी भी बोल रही है मैं अंडे रखूंगी। नो, आपसे रखे जाएंगे, छोड़ो आप। ये देखिए पीछे हट जाओ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमने ये सभी अंडे मुर्गी के पास रख दिए हैं। अभी मुर्गी जो है इन सभी अंडों को अपने नीचे ले लेगी और इनके ऊपर बैठ जाएगी और इन्हें आज से हीट देना स्टार्ट कर देगी। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आपको अगर नहीं पता है कि मुर्गी के नीचे कितने अंडे रखें कितने ना रखें, तो अभी मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी मुर्गी छोटी है, साइज में ज़्यादा छोटी है, तो आप उसके नीचे ओनली 8 अंडे रख सकते हैं। और अगर आपकी मादी जो है मीडियम साइज की है, तो उसके नीचे 12 से 14 अंडे रख सकते हैं। और अगर आपकी मुर्गी काफ़ी बड़ी है, साइज में फुल साइज में है, तो आप उसके नीचे 17 से 18 अंडे रख सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी हमने ये अंडे रख दिए हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर
मुर्गी जितने अंडे अपने नीचे रख लेगी, जितने अंडों के ऊपर बैठ जाएगी, तो समझिए उतने अंडों में से बच्चे ठीक ठाक निकल जाएंगे, और जो अंडे बाहर बचेंगे तो वो अंडे खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हमें अंडे उतने ही रखने चाहिए जितने अंडों पे मुर्गी जो है बैठ सके। और अब ये मादी हर 4 घंटे के बाद खुद ब खुद ही इन अंडों को रोटेट करती रहेगी और इन्हें हीट देती रहेगी। अब हमें इसे समय समय पे निकाल के ही दाना पानी देना है, और बाकी सारा दिन ये ऐसे ही अंडों पे बैठी रहेगी। ये तकरीबन 21 दिन की प्रोसेसिंग होती है अंडे मुर्गी के नीचे रखने से बच्चे निकलने तक की। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए दोस्तों, आज हमारी जो मादी है उससे 21 दिन हो गए थे अंडों पे बैठे हुए, तो ये आज इसने जो है अंडों को हैच कर दिया है। तो देखिए ये चूजे अंडों से बाहर आ गए हैं। तो जब इसने ये चूजे अंडों से बाहर निकाले तब मैं यहाँ पे था नहीं, लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमने टोटल 14 अंडे इसके नीचे रखे थे, तो इसने ये जो है इसमें से टोटल जो है ये 9 बच्चे ही निकाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि सभी बोलते हैं, कि जैसा कि मैंने भी पहले आपको बोला था कि अगर मीडियम मादी हो तो उसके नीचे 12 से 13 अंडे रखने चाहिए, तो अगर बड़ी मादी हो तो 15 से 16 अंडे भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मुर्गी जो कोई भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके नीचे केवल हम 8-10 अंडे ही रख सकते हैं। तो इससे अगर हम ज़्यादा अंडे रखेंगे तो ये वो अंडे ख़राब होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। तो ये देखिए, ये हमारे 4 अंडे ये ख़राब हुए हैं जो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए एक अंडा, तो ये दूसरा अंडा, और ये तीसरा अंडा, और ये चौथा अंडा, और ये दोस्तों इधर एक अंडा इधर इसने मुर्गी ने फेंक दिया। तो ये देखिए ये 5वां अंडा। तो दोस्तों हमें मुर्गी के नीचे 8 से 10 अंडे ही रखने चाहिए जो अच्छी तरह हैच हो जाते हैं। तो ये देखिए इसके चिक्स जो है ये निकल आए हैं, तो ये टोटल 9 चिक्स इसने निकाले हैं। और ये देखिए ये सभी इसी पे है, ज़्यादातर सभी ब्लैक ही हैं, ओनली 2 चूजे ही हैं जो थोड़े वाइट वाइट है, जो यानी कि इनके ऊपर थोड़ा रेडिश रेडिश है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें। धन्यवाद।